हे गाइज, आज आपको इस वीडियो में दो ऐसे मॉड्यूल बताने वाला हूँ जो कि मैं अक्सर हर रिव्यू के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि मैंने बीट गैप्स का यूज किया है, जिसकी वजह से मुझे फेशियल लॉक देखने को मिला है और साथ साथ डिजिटल वेलविंग देखने को मिला है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई बीट गैप्स मुझे यूज नहीं करना है, मुझे मैजिक मॉड्यूल के थ्रू इनेबल करना है, तो कैसे करें। तो मैंने कोई सेपरेट वीडियो नहीं दी थी इन दोनों मॉड्यूल के ऊपर, तो आज वही आपको मैं बताने वाला हूँ। ऐसे तो बहुत सारे यूजर्स को पता होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन यूजर्स की है जिनको मालूम नहीं है कि हम ऑफिशियल जीएक्स यानी गूगल के ऐप्स को यूज करते हुए डिजिटल वेलविंग और फेशियल लॉक को कैसे इनेबल कर सकते हैं किसी भी फोन के अंदर, किसी भी पाई रोम के अंदर। तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे, किसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेगी Redmi Note 4, Redmi 4, Redmi 3S और Poco F1 की। तभी मैं डाल रखा हूँ Android OS, जिसमें मैंने बीट गैप्स का यूज नहीं किया है। मैंने जो ऑफिशियल जीएस यानी गूगल कैप का यूज किया है वो भी पिको का, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ना ही डिजिटल वैल्यूइंग देखने को मिली है, ना ही यहाँ पे मुझे फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर अभी फेस अनलॉक नहीं है और ना ही डिजिटल वेलविंग है मेरे पास, और जो कि मैंने जो पिको का यूज किया है। तो इसमें कैसे इनेबल करना है, तो सबसे पहले आपको स्विच करके जाना होगा टी डॉलर पे में। आपके पास कोई सा भी रोम हो, कोई सा भी डिवाइस हो, आपका पास कस्टम रोम पाई का होना चाहिए और आपके फोन के अंदर टी डॉलर पे इंस्टॉल होनी चाहिए और कस्टम रोम भी। जी हाँ, ये सारी कंडीशन है। आपके फोन को जो रूट करना होगा, तो रूट करने के लिए आपको स्विच करना है टी डॉलर पे के अंदर। तो आप कोई सा भी टी डॉलर पे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं ऑरेंज फॉक्स यूज करूँ तो आपको ऑरेंज फॉक्स ही चाहिए। आप नॉर्मल से टी डॉलर पे हो तो उससे काम नहीं होगा, सबसे काम करेगा सबसे है जो ये आप मेथड फॉलो कर सकते हो। बस जरूरी है आपके फोन के अंदर मैजिक का इंस्टॉल्ड होना। यहाँ पे टी डॉलर पे ओपन हो चुका है। आप आना इंस्टॉल के बटन पे, और जो मैजिक्स आप यूज करने वाला हो, चाहे ऑफिशियल हो या फिर डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन वाला हो, दोनों एक ही है, आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन 18.1 का, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। आप ऑफिशियल 18.1 का भी यूज कर सकते हो, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं कस्टम रोम पे। तो यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश होने के बाद आपको करना है रिबूट। तो यहाँ पे जो ये ऑन हो चुका है, अब इसे करते हैं अनलॉक और आते हैं यहाँ पर। तो समटाइम ऐसा होता है कि मैजिक समझा फ्लैश करते हैं तो उसका एपीके यहाँ पर शो नहीं होता है, तो हमें मैनुअल इंस्टॉल करना होता है मैजिक्स मैनेजर को। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर शो हो जाता है तो अच्छी बात है, बट कभी कभी ये जो किसी किसी पे यहाँ पे काम नहीं करता है। तो चलते हैं उसके एपीके यानी मैनेजर के ऊपर और उसे कर लेते हैं मैनुअल इंस्टॉल। तो अगर आपका ऐसा भी हो रहा है तो ये मत समझना कि मैजिक फ्लैश नहीं हुआ या काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको जो एपीके इंस्टॉल करना होगा वो भी लेटेस्ट वाला आप करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि 7.0 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है, दोनों अपडेटेड दिखा रहा है लेटेस्ट। उसके बाद आपको ट्रिपल लाइन पे क्लिक करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे थोड़ी देर में आपके जो ये सारी फाइलें शो होने लग जाएगी। अगर नहीं होती तो आप एक बार इसे रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करने के बाद जब ये फाइलें शो हो जाएगी, आपको इस सर्च बार पे टाइप करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है यानी टाइप करना है DIG। इतना ही अगर आप टाइप करते हो तो आपको है जो आ जाएगा डिजिटल वेल्विंग पोर्ट। अगर नहीं आता है तो आप है जो पूरा टाइप कर सकते हो नेम को। ये आ चुका है और इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से और डाउनलोड करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा अभी। तो ये डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब सम टाइम ये एग्जिट भी हो जाता है, ये वन टाइम देखने को मिलता है कभी कभी। तो आपको फिर से इसे ओपन करना है, डाउनलोड के ऊपर आना है और वो डिजिटल वेलविंग हो चुकी है डाउनलोड। अब आपको करना है फेस अनलॉक। तो इसे जब आप सर्च करोगे तो आएगा फेस Redmi Note 4 और यहाँ पे फेस अनलॉक गूगल का। तो आपको गूगल का यूज करना है, जो कि सभी पे काम करता है, किसी का भी हो सभी पे काम करेगा। 18.1 लिखा हुआ है लेकिन ये एंड्रॉयड आपके पाई पे भी वर्किंग है, तो इस पे भी आपको टाइप करना है। फिर से एग्जिट हो गया, फिर से इसे ओपन करते हैं। तो स्टार्टिंग में कभी कभी किसी किसी रोम पे प्रॉब्लम आती है कि बार बार मैजिक मैनेजर या कोई अदर एप्लीकेशन बार बार एग्जिट हो जाती है, तो 2-3 टाइम ही देखने को मिलता है, उसके बाद ये ऑटो फिक्स हो जाता है। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आ चुका है, इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट। तो दोनों फाइलें डाउनलोड हो गई है। आप अगर यहाँ से नहीं सर्च कर पा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये दोनों फाइलें हैं जो अपलोड करके ड्राइव में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसे मैनुअल भी डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको आना है मॉड्यूल पे, इसके बाद प्लस पे टाइप करना है। प्लस पे टाइप करने के बाद जहाँ पे भी आपने फाइल डाउनलोड की है वहाँ पे आपको फाइल को ब्राउज करना है। तो ये डाउनलोड होने के बाद जाती है डाउनलोड के फोल्डर में, यहाँ पर आते हैं, ये रहा डिजिटल वेलविंग, इसे करते हैं क्लिक, इंस्टॉल, अगेन क्लोज, प्लस टैप करेंगे और यहाँ पे फेस अनलॉक 1.1। दोनों फ्लैश हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है रिबूट के ऊपर।
डिवाइस अगेन है जो हो चुका है रीस्टार्ट। अब इसे करते हैं अनलॉक, आते हैं सेटिंग्स की ओर और चलते हैं हम सेटिंग्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल वेलबिंग आ चुका है जो कि हमें बीटीएस पे देखने को डिफॉल्ट देखने को मिलता है, या फिर आप मिनी या स्टॉक जीएफ का यूज करोगे तो उसमें यह डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। अब आते हैं फेस अनलॉक के ऊपर कि क्या फेस अनलॉक हमारा एक्टिव हुआ या नहीं। तो चलते हैं फेस अनलॉक के ऊपर और इसे करते हैं स्मार्ट अनलॉक, और यहाँ पे आ चुका है फेस अनलॉक। तो चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ। सो ये हो चुका है सेट। अब इसे करते हैं बैक, अगेन बैक, और इसे मैं करता हूँ फिर से अनलॉक और पावर बटन पे क्लिक। देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है, काफी क्विक अनलॉक हो रहा है। जबकि मेरा पासवर्ड लॉक है तो अगर मैं सामने नहीं रहता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड एंट्री करता है, बट यहाँ पे जैसे ही मैं सामने आ जाता हूँ ये ऑटो है जो अनलॉक हमारा हो जाता है। तो फेस अनलॉक यहाँ पे काम कर रहा है, डिजिटल वेलबिंग यहाँ पे हमारी काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टाइम मैंने इसे अनलॉक किया था तो वो भी हो जाएगा, और जितने भी मैं ऐप्स ओपन करूँगा यूज करूँगा उनका सबका है जो ये रिकॉर्ड यहाँ पे रखेगा। तो इस तरह से आप जो डिजिटल वेलबिंग और फेस अनलॉक इनेबल कर सकते हो ऑफिशियल जी एप्स का यूज करते हुए भी। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको डिटेल दे दिए। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जिन्हें ये नहीं पता था कि कैसे इनेबल करना है ऑफिशियल जी एप्स का यूज करते हुए, क्योंकि हमेशा मैं बीटीएस ही यूज करता हूँ जिसमें ये दोनों डिफॉल्ट मिलते हैं, तब आप ऑफिशियल पे भी इसका यूज कर पाओगे मैनुअली। तो फाइल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्ट आप मैजिक में भी सर्च कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।